Namaste and welcome to this exciting episode of Satology, Debunking Mythology. Satology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. आप सबका इस सतोलॉजी के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है. सतोलॉजी का अर्थ होता है सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई. उसके विपरीत है मिथोलॉजी, विच मीन झूठ, नकली, काल्पनिक, उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान. मिथोलॉजी शब्द को बहुत लोगों ने ग्लोरीफाई किया है. जो भी इतिहास यूरोपियंस को समझ में नहीं आता है उसको मिथोलॉजी बुला दिया जाता है. यूरोपियंस, पर्टिकुलरली ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, अमेरिकन्स, इन सबका प्लान ये था हिंदुओं को म्यूजियम में डाल दे, उनको जो भी चर्च से अलग है उसको जेल में डाल दिया जाए. आज भी आप भारत में देखते हैं कि चर्च भारत का सबसे बड़ा लैंड ओनर है, वक्फ से भी बड़ा. तो उनका यही प्लान था. और आप लोग जो भी कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं और इधर पढ़ते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप पे इनका कॉलोनाइजेशन चल रहा है. बहुत सारे कॉलेजेस हैं भारत में तो यही सब काम करते हैं, सेंट स्टीफन्स कॉलेज, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस. तो चर्च का यही काम था और चर्च ने यही किया पूरी दुनिया में. इस बात को आप सत्य मानिए. मैं आपको लेके चल रहा हूं न्यू कैलेडोनिया में. आपने मेरा पहला शो देखा होगा, पिछला वाला, जब मैंने आपको बताया था कितना कॉलोनाइजेशन आज भी चल रहा है. 1946 से यूनाइटेड नेशंस कोशिश कर रहा है कि ये जो टेरिटरीज हैं जो ऑक्यूपाइड है परमानेंट फाइव के द्वारा उनको रिलीज किया जाए, और लेकिन कर नहीं पा रहा है. इसीलिए ये मेन रीजन है भारत को वहां एंट्री नहीं दी जाती, क्योंकि भारत की वजह से बहुत सारे देशों को आजादी मिली 1947 के बाद. और यही मेन कारण है, इसी को छुपाने के लिए भारत को परमानेंट फाइव में नहीं डाला जाता, क्योंकि एक और वोट ऐड हो जाएगा चाइना के अलावा. चाइना को तो किस तरह उन्होंने टेम किया हुआ है थ्रू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के करप्शन से, लेकिन भारत को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है, बड़ी डेमोक्रेसी है. और भारत के लोग, भारत की जो गवर्नमेंट का मॉरल अथॉरिटी है वो बाकी देशों से ज्यादा रहता है, यूरोपियन देशों से भी ज्यादा रहता है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है. लेकिन भारत एक वो हनुमान जी जैसे हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि उनकी शक्ति कितनी है. और तो कभी किसी को जगाना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं. तो चलिए आपको मैं लेके चलता हूं न्यू कैलेडोनिया में. मेरा मैप देखते रहिए, पहले तो चलते हैं गूगल मैप पे. ये जो कॉलोनी है फ्रेंच कॉलोनी है, फ्रेंच स्टेट के अंदर है, और ये बहुत ही दूर ऑस्ट्रेलिया के पास में है, फिजी के बीच में है. फिजी इधर है, न्यू कैलेडोनिया इधर है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, इधर है ये. न्यूजीलैंड इसके नीचे आता है. और तीनों के तीनों कॉलोनीज है जो आप थॉमस कुक जैसे देखते हैं उसमें, वो सब कुक आइलैंड्स हैं. मतलब ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया ऑस्ट्रेलिया में, अबोरिजिन्स को बर्बाद कर दिया है ना ब्रिटिश ने. और फिर उन्होंने, ब्रिटिश ने फिजी में ऑक्यूपाई किया, यही पे मार्शल आइलैंड्स है, यही पे कुक आइलैंड्स इधर दिख रहा है आपको, फ्रेंच पॉलिनेशिया उधर है. और तो फ्रांस ब्रिटेन ने आपस में ऐसे डिवाइड कर लिया जैसे उनकी जमीन है. फ्रांस से ये 17,000 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहां से दो सेनेटर्स और चार इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रांस के पार्लियामेंट में बैठते हैं. अभी रिसेंटली यहां पे दंगे हुए. वो क्यों हुए? फ्रांस की गवर्नमेंट ने नया लॉ पास किया कि जो पिछले 10 साल में लोग इधर आए हैं उनको भी वोटिंग का परमिशन दिया जाए. इसकी वजह से आज दंगे चल रहे हैं वहां पे, रिपोर्ट भी हुआ है काफी मीडिया में. ये आपके लिए, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये जो रिपोर्टिंग किया गया है दंगों का, वो इसलिए किया गया है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं जिनको हवाईयन टर्म होती है कनक, कनक मतलब सोना होता है, या फिर यहाँ पे लोग बोलते हैं कनक को कि लोकल लोग, उनकी पॉपुलेशन है 41%. उनको इन्होंने रिजर्वेशन में डाला हुआ है इधर फ्रांस के लोगों ने. तो फ्रांस को कम मत समझिए, मैं फ्रांस के पीछे नहीं पड़ा हुआ हूं, लेकिन फ्रांस को कम मत समझिए. फ्रांस जो भी भुगतता है पेरिस में, तो उस पर बिल्कुल दया करने की जरूरत नहीं है, वो अपने कर्मों का फल ही भुगत रहा है.
जस्ट बिकॉज वो भारत को टेक्नोलॉजी देता है, बेचता है, उससे उसके कुकर में मिट नहीं जाते, उसके कुकर में बहुत ज्यादा है। और वो इसीलिए करता है ताकि लोग उसके ऑक्यूपेशन पे लोग क्वेश्चन ना करें, इसीलिए करता है। ब्रिटेन से ज्यादा कॉलोनीज है फ्रांस की, सॉरी ब्रिटेन की ज्यादा है, फ्रांस की उसके बाद है, और उसके बाद है स्पेन और पुर्तगाल की एक एक, जबकि स्पेन और पुर्तगाल के पास बड़े बड़े देश है, साउथ अमेरिका में ब्राजील है पुर्तगाल का, और बहुत सारी कंट्रीज जो है स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज है, इंक्लूडिंग मेक्सिको, वो भी कॉलोनी है एक। तो ये है न्यू कैलेडोनिया जो आपको दिख रहा है मैप पे, और ये एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि यहां पे मिलता है निकल, वो बाद में उन्होंने ढूंढा बोगोता नदी के पास में, वो वहां पे निकल है। वहां के प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक नहीं है क्योंकि नाम लोकल नेटिव नाम है, और यहां पर निकल निकलने की वजह से, निकल हर जगह यूज होता है, ये जो देश है दुनिया का 25% निकल प्रोड्यूस करता है। निकल स्टेनलेस स्टील में यूज किया जाता है, निकल की बैटरीज बनती हैं, और निकल काफी अलग अनेक मेटलर्जी में यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट मेटल निकल। तो यहां पे ये निकल की यहां पे बहुत ज्यादा माइनिंग होती है, और यहां के जो लोग हैं, जो नेटिव लोग हैं, उनको रिजर्वेशन में डाला गया है। सेम स्टोरी जो अमेरिका में हुआ, सेम स्टोरी हुआ, ये जितने भी यूरोपियंस को लोकल लोगों की शक्ल से इतनी चिढ़ होती है स्किन कलर के बेसिस पे कि इनको लगता है कि चर्च में पहले तो इधर चर्च भेजते हैं, चर्च से जब लोग कन्वर्ट हो जाते हैं तो मतलब वो सॉफ्ट कॉर्नर हो गया, क्योंकि उनके जो भगवान है अभी वो यूरोप से ही आ रहे हैं, चर्च से ही आ रहे हैं, और चर्च किसी भगवान को मानता नहीं, आपको मालूम है सबको, वो अपने ही धुन में रहते हैं। और उसको करने के बाद इनका जो कैपेसिटी टू रिटेलिएट या प्रोटेस्ट वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो आपका रिलीजन चेंज हो चुका है मन में, तो उसके बाद सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। तो ना भी सिर्फ वही बात बचती है, चाहे आपको रिप्रेजेंटेशन हो या ना हो, आपका जीवन ठीक से चल रहा है तो इट इज ऑल गुड, क्योंकि न्यू कैलेडोनिया की इकोनॉमी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, पूरे पैसिफिक अटॉल में इसकी इकोनॉमी टॉप में आती है। मैं नंबर अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह चलता है। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। यहां के लोगों को एक और आपको थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होगा, ऑस्ट्रेनिशियन, ऑस्ट्रेलिया नाम का तो कोई नाम ही नहीं है इतिहास में। ऑस्ट्रेनिशियन कैसे हो गया, मतलब ऑस्ट्रेनिशियन का मतलब है नेटिव, मतलब कि वो उसको उन्होंने नया टर्म बना दिया ऑस्ट्रेनिशियन रेस। कैसे होगा भाई, पूरे देश का जो एज है वो भी, मतलब ऑस्ट्रेलिया की एंटिटी का जो हिस्ट्री है वही कॉलोनियल हिस्ट्री है, 300-400 साल का हिस्ट्री, उससे ज्यादा नहीं है, 200 साल का हिस्ट्री है। तो कहां से वो रेस का नाम हो गया, जो ऑस्ट्रेनिशियन का मतलब होता है एशियन, मतलब जो भारत मूल के लोग हो वैसे ही दिखते हो, क्योंकि सबसे बड़ा पॉपुलेशन जो जहां पे होता है इन्फ्लुएंस होता है, अगर आप देखें जीन थ्योरी को, अगर देखें जीन्स की थ्योरी को, जिसको मैं पूरी तरह से वैलिड नहीं मानता हूं क्योंकि फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन फिर भी एक डिफरेंशिएशन करने के लिए वी कैन यूज दैट थ्योरी। जेनेटिक कंपोजिशन इज वेरी सिमिलर टू इंडोनेशियन विच इज हिंदू एंड ऑल्सो इंडिया, कनेक्टेड टू इंडिया, मलेशिया, वियतनाम हिंदू, फिलीपींस भी हिंदू था, तो ऑल दीज टेरिटरीज। रिलीजन की तरफ से मत देखिए, आप देखिए भारतीय तरीके से, भारतीय जीन थ्योरी, भारतीय जीन से कनेक्टेड है सारे लोग, ये सारे जो द्वीप हैं ये सारे कनेक्टेड हैं किसी न किसी तरह से भारत से। नाम जो दिया है इनको, हवाई दिया कनक, कुछ दूसरा बोला लपिता, लेकिन जो लोकल लोग जो बुलाते हैं वो कुछ और बुलाते हैं। अगर आप लोकल लोगों का इतिहास देखें तो वो कुछ और बुलाते हैं इसको, कि जो इसका जो इतिहास है, अगर हम देखें लपिता कल्चर बोलते हैं, लपिता भी है वेस्टर्न है, क्योंकि भारत में ऐसा कोई स्टडी हुआ नहीं, भारतीय लोगों ने कोई दूसरे देशों के लोगों को टारगेट, मतलब पर समझने की कोशिश नहीं करी, और पहली बार हम लोग छोटा सा प्रयास कर रहे हैं सत्तालोजी से। और न्यू कैलेडोनिया जो नाम पड़ा है वो जेम्स कुक ने डाला है, जेम्स कुक ने न्यू कैलेडोनिया, उसको लगा कि वो स्कॉटलैंड आ गया तो उसने वहीं से उसका देख के नाम डाल दिया। और पहले यहाँ पे सैंडलवुड चलता था, बहुत चोरी उसकी तस्करी होती थी, और बाद में इसको तस्करी बोलेंगे, स्मगलिंग ही बोलेंगे,
बिकॉज बिना परमिशन के हो रही है। लोगों को मालूम ही नहीं है क्या कर बेच रहे हैं, लेकिन ये लोग बेच रहे हैं। और उसके बाद हुआ निकल का, वो भी लोगों को मालूम नहीं है। तो पूरा का पूरा इलीगल ऑपरेशन है, और ये फ्रेंच पार्लियामेंट के द्वारा चलाया जाता है। वहां के प्रेसिडेंट आजकल मैक्रोन है, सब लोग फेमस है उसके लिए, कब भारत को बुलाते हैं दोस्ती के लिए। ये किसी के दोस्त नहीं है, ये अपने भी दोस्त नहीं है। तो इसको, इनके ऊपर दोस्ती, इनसे प्लेन्स खरीदे, पैसा दे और छोड़ दे इनको, इसे कोई मतलब नहीं भारत का, क्योंकि इनका इतिहास इतना बर्बर है कि आप इससे क्या दोस्ती करेंगे इस आदमी से और इस तरह के लोगों से। तो यहां पर सबसे पहला जो ट्रेड था वो था ब्लैक बर्डिंग। आपको नाम लगेगा बड़ा भयंकर, ब्लैक बर्डिंग क्या होता है? ब्लैक बर्डिंग मतलब यहाँ के लोगों को, मतलब काले लोगों को खरीदना और काले लोगों को बेचना, ये था ब्लैक बर्डिंग। ऑस्ट्रेलिया में यूज करना, बाकी देशों में यूज करना, कभी कभी फ्रांस में भी लेके आ जाना, इसको बोलते हैं ब्लैक बर्डिंग। नाम बड़ा सुंदर दिया हुआ है। और यहाँ के जो लोग थे बहुत ही अच्छे समुद्र के रहने वाले लोग थे, नेविगेटर्स थे, और इनके यहाँ पे भोजन बहुत उगता है, यहाँ पे कोई कमी नहीं भोजन की। और किसी भी न किसी तरह ये फ्रेंच कंट्रोल में आ गया 1793 या फिर 1887 के बीच में। तो सारा नया हिस्ट्री है ये, उसके पहले ये हिस्ट्री नहीं था। तो 1853 में ऐसा बोलते हैं कि नेपोलियन III ने यहाँ पे कुछ लोगों को भेजा इसको कॉलोनाइज करने के लिए। सो अब यहां से यहाँ का इतिहास शुरू मैं करता हूं। तो अगर आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं तो आपको एक पिक्चर दिखाई देगी, उसमें मैं जो हूं, ये जो यहाँ के नेटिव कड़क लोग हैं, कड़क, अभी कड़क हवाईयन नाम है, लोकल नाम नहीं है इनका। लोकल नाम है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो लोकल नेम इज तबीकी, ऐसा तबीकी का भी कुछ नाम आता है, एंड विच इज द नेम फॉर जमीन से जुड़े लोगों का, या इनको बोलते हैं पृथ्वी के लोग, भूमि के लोग, है ना, भूमि के लोग। यहाँ के राजाओं का सिंबल है, और यहाँ का नक्शा भी थोड़ा अलग सा ही है, यहाँ का मैप भी थोड़ा अलग है, फ्रेंच लोगों ने कुछ और नाम दिया हुआ है। अगर आप इनका नक्शा देखेंगे तो आपको दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे हम लोग कभी लगाते हैं ना नींबू, मिर्च पत्ते, आम के पत्ते, ऐसे लगाते हैं मंदिरों के ऊपर। और यहाँ पे मोस्टली टीपी रहती है, टीपी मतलब ट्राइंगल शेप में रहती है। तो ये यहाँ का कल्चरल सिंबल है। सीपी मतलब कॉन्शल ट्री एंड लिपी, ये इनका कॉमन कल्चर है। और लोकेशन तो आपको पता ही है, और ये यहाँ के मूल निवासी है, इनको गलत तरीके से दिखाया जाता है। और यहाँ पे दो झंडे फहरते हैं, एक लोकल नेटिव झंडा और दूसरा फ्रांस का झंडा। तो यहाँ पे आपको दो झंडे मिलेंगे एक साथ। और ये जो जितने भी आपको गोरे लोग दिख रहे हैं, यूरोपियन लोग दिख रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं दे आर द कॉलोनियलिस्ट, ये करीब 40-45 हजार नंबर के हैं, और ये यहाँ पे रहते हैं। एंड दीज आर द पीपल हु कंट्रोल दिस आइलैंड। यहाँ पे वेजिटेशन आप देख सकते हैं, रोलिंग हिल्स हैं, जिसकी वजह से इसको कैलेडोनिया बुलाया जाता है, क्योंकि जिसने जेम्स कुक ने जब इसको देखा उसको लगा, उसको स्कॉटलैंड की याद आ गई। तो ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स ने इसको पहले ढूंढा और बाद में फ्रेंच को दे दिया टू गेन फ्रेंच एलिजियंस। बहुत ही सुंदर बीचेस हैं यहाँ पे, और यहाँ के लोकल लोग हैं जो अभी मोस्टली कन्वर्ट हो चुके हैं, कनक लोग हैं ये लोग, मोस्टली कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे चर्च ने, रोमन कैथोलिक चर्च ने इनके लोकल रिलीजियस सिस्टम्स को बर्बाद कर दिया, लेकिन परिवारों को बर्बाद नहीं कर पाए। तो क्लैन बेस्ड सिविलाइजेशन है, क्लैंस है यहाँ पर। हम लोग को क्या समझने की जरूरत है कि ये सब जगह पे जो भी आजकल जो राइट्स चल रहे हैं उसका रीजन मैंने आपको पहले बता दिया है, ये राइट्स चल रहे हैं सो दैट पीपल कीप अवे फ्रॉम दी, मतलब जो जो फ्रेंच पार्लियामेंट का जो रूल है कि 10 साल पहले जो लोग आए थे उनको भी वोटिंग का राइट्स दिया जाए। ये सेम स्ट्रेटेजी है जो अमेरिका में यूज की गई सेटलर्स के द्वारा नेटिव अमेरिकन के विरुद्ध, और इसको चर्च का पूरा सपोर्ट मिलता है। और ये सभी लोग चर्च के पादरी हैं, ये है वो है, एंड दीज पीपल आर डूइंग दैट सो दैट कनक का जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाए टोटली।
तो मतलब डेमोक्रेसी के नाम पर लोगों के राइट्स छीन लेना। मेरी पुस्तक आपने देखी होगी गोल ग्लोरी एंड गॉड, उसमें मैंने एग्जैक्टली लिखा है कि डेमोक्रेसी का यूज कैसे किया गया। ये बुक है मेरी, आप उसको चेक कर सकते हैं, और उसमें डेमोक्रेसी के नाम पर इनके राइट्स छीन लिए गए। और सेम एग्जैक्टली किया जा रहा है, 41% जो कनक लोग हैं जिनको बुलाते हैं उनके राइट्स छीनने का प्रोग्राम है ये लॉ, एंड टोटली इलीगल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में लीगलिटी नहीं होनी, इसमें लीगल नहीं है ये, बट इस पर कोई देश क्वेश्चन नहीं उठा रहा है। सबने फ्रेंच की कॉलोनीज को फ्रेंच टेरिटरी मान के बैठे हुए हैं जस्ट बिकॉज वहां पे झंडा लगा हुआ है। द डे समबडी क्वेश्चंस दैट थिंग, देन उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होंगी उन देशों के लिए। तो मैं चाहता हूं कि भारतीय गवर्नमेंट इस इश्यू को भी फ्लैग करे, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ऑफ द पॉप वर्ल्ड। और अगर इसको भारतीय गवर्नमेंट इसको क्वेश्चन करती है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर पीपल टू गेन राइट्स। इसीलिए शायद भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी नहीं बना रहे, बनाया जा रहा है। यहाँ पे लीजन चलते यूरोपियन स्पोर्ट्स है, ये जो घोड़सवारी और ये सब जो लड़ाई होती है वो सब यूरोपियन है। यूरोपियंस ने यहाँ पे टोटली सेपरेटली रहते हैं, यूरोपियन बहुत ही माइनॉरिटी है, 280,000 टोटल पॉपुलेशन है। यूरोपियन पॉपुलेशन जो है 70,000 होगी, उसमें 40,000 फ्रांस से है, बाकी 40,000 इधर उनका, 30,000 यहाँ पे उनका जन्म हुआ है। अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। तो यहाँ पे वोटिंग राइट्स छीन लेने के लिए, उनको पहले भी वोटिंग राइट्स नहीं है, उसके बाद क्या होगा, मनमानी होगी। और आपको मैं बता दूं कि ये लोग आपको लग रहा है कि बहुत डेवलपमेंट लेकर आते हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ लोकल पीपल। इनके एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स हैं, जिस तरह के स्पोर्ट्स जो आप दिख रहे हैं एंजॉयमेंट के लिए, एंड दैट इज ऑल एट द कॉस्ट ऑफ द लोकल पीपल, और उनकी जमीन पे बनाया जा रहा है। तो फ्रांस को इतना आप नेवर ट्रीट देम लाइटली। मेरे को फ्रांस के अगेंस्ट कुछ नहीं है, इट्स अ कंट्री, इफ इट स्टेज इन यूरोप इट इज अ गुड कंट्री, यूरोप में रहना चाहिए। एंड देन हियर इट इज दी मैप, जिसमें से पॉलिटिकल मैप जो आपको दिख रहा है, आपको यूएसए 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 हवाई भी एक पैसिफिक आइलैंड ग्रुप का कंट्री है, इट इज पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ कंट्रीज, हवाई भी वहीं का है। और उसमें यूएसए दिखेगा आपको, ब्रिटेन दिखेगा, फ्रेंच पॉलिनेशिया दिखेगा, और बाकी बड़ी बड़ी ब्रिटिश कॉलोनीज है। पापुआ न्यू गिनिया जो है वो इंडोनेशिया से छीन लिया गया, आधा आइलैंड बन गया, उसमें मेरी बुक में मैंने डिटेल मेंशन किया है, किसे छीन लिया गया है फ्रॉम द बाय द ब्रिटिश फ्रॉम इंडोनेशिया। यहाँ पे आपको रेड जो सॉइल दिख रहा है वो निकल की वजह से है, बिकॉज निकल इज द मेन प्रोड्यूस, दैट्स व्हाई कॉलोनाइजेशन चलता है। और ये काल्डोचेस, काल्डोचेस है यूरोपियन पीपल बॉर्न इन न्यू कैलेडोनिया, इनको काल्डोचे बोलते हैं। इनके स्पोर्ट्स काफी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स रहते हैं, एंड दिस इज व्हाट दे डू। और बहुत सारी जमीन को ऐसे बांटा गया फ्रेंच प्रिजनर्स को, फ्रेंच प्रिजनर्स की शादी दूसरे फ्रेंच प्रिजनर्स से करा के पॉपुलेशन बढ़ाई गई। ये सब ऐसे ही पॉपुलेटेड लोग हैं, फ्रेंच लोग यहाँ पे जाना पसंद नहीं करते हैं, दे लाइक टू स्टे इन यूरोप, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये ऐसी जगह है कि रोडियोज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, घुड़सवारी के लिए किए जाते हैं। ये यहाँ का एक क्रिश्चियन करम्बू है जो 1998 में वर्ल्ड कप विनर था फ्रांस के साथ, ये भी इसी टेरिटरी से आता है। सो ऑल दीस थिंग्स हैव बीन डन। नाउ कमिंग बैक टू द मेन, इनको बोलते हैं लपिता कल्चर, लपिता कल्चर। तो लपिता कल्चर को सडनली एक नाम आ गया है, नियोलिथिक ऑस्ट्रिनेशियन, है ना, ये लपिता कल्चर है। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू। ये एक्चुअली लपिता इज ए मिसनोमर, ये पूरा जो कल्चर है ये है इंडोनेशिया से प्रभावित है, और इंडोनेशिया का ही कल्चर ऑस्ट्रेलिया में था। ऑस्ट्रिनेशियन नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है, ये बनाया गया शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नाम ही यूरोपियन नाम है, और ला ऑस्ट्रालिस ये लैटिन नाम है, फ्रॉम द डाउन अंडर, उसका मतलब होता है डाउन अंडर, मतलब नीचे का जमीन। तो ये इनके लिए जमीन का टुकड़ा है, इसका कल्चर का कोई रिस्पेक्ट नहीं। यूरोपियंस को तो आप जानते ही हैं, उनको किसी भी कल्चर का कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है, हर जगह अपनी बात फैलाने के लिए आ जाते हैं, एक सुपीरियर माइंडसेट है गोरा चमड़ी का, एंड दैट इज व्हाट दे डू।
एंड दैट इज द मेन रीजन ऑफ कॉलोनाइजेशन, मेन रीजन. उनको काले लोग पसंद नहीं है. जैसे एक अभी रिसेंटली इंडिया के पॉलिटिकल किसी ने अमेरिका में बैठ के अंकल सैम, उसने बोला था पतझड़ या पत्थरों जो भी बुलाना चाहते हैं, वो बोलता है कि इंडियंस ये है, मतलब वो कॉलोनियल माइंडसेट में प्रोग्राम्ड आदमी है. वो वही बात कर रहा है जो उसने सुना हुआ है यूरोप में और जिसकी नौकरी चाकरी वो कर रहा है. सो दिस इज द एरिया विच इज डिवाइडेड और ये एरिया की ये कहानी है. यहाँ के लोकल लोगों का पॉटरी दिखा के फिर ये लोग क्या करते हैं कि पूरे का पूरा कल्चर बर्बाद करने के बाद आर्कियोलॉजी चलाई जाती है, जैसे वो कि बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, उसमें भी पैसा कमा रहे हैं. ठीक है, इसलिए आर्कियोलॉजी को मैं फ्रॉड बुलाता हूं, क्योंकि ये एक यूरोपियन, एक इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम. पहले तो आप खत्म कर दें पूरा, फिर आर्कियोलॉजी करके दिखाएं कि देखो मैं कितना काम कर रहा हूं, और फिर उसके बाद आप उसी में पैसा भी कमाएं. ये बहुत सारा टैक्स पेयर्स मनी जाता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पैसा जाता है, तो इससे फुल एंटरटेनमेंट वर्क फॉर देम. कोई इसका एक्चुअल बेनिफिट नहीं है किसी को भी जीवन में ना? तो ये माइक्रोनेशिया जो बुलाते हैं, पॉलिनेशिया बुलाते हैं, मेलानेशिया बुलाते हैं, ये सब वेस्टर्न नाम है. इसको हम लोगों को नए तरीके से नाम देने की जरूरत पड़ती है. तो आई थिंक वी नीड टू ऑल्सो, भारतीय ज्योग्राफी के जो डिपार्टमेंट है वो इसको अलग तरीके से नाम दे, जिससे कि पता लगे कि किस तरह भारतीय सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ के लोकल कल्चर और कस्टम्स देखेंगे आपको लगेगा कि आप अंडमान निकोबार आइलैंड में आ गए हैं. तो उसी तरह का कल्चर है यहाँ पर भी, समुद्र के पे ऊपर डिपेंडेंट. अभी हम हर किसी को बोल नहीं सकते हैं कि पूरे सनातन धर्म से कनेक्टेड है, लेकिन जो बेसिक फीचर्स है जैसे कि सूर्य, चंद्र, भूमि, इनका पूजा करना या इनका रिस्पेक्ट करना, वो कल्चर अगर हम देखें तो वो सनातनी कल्चर है. तो किस तरह इसको हम लोग हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट्स के द्वारा, यूनिवर्सिटीज के द्वारा उधर जाया जाए. जैसे हमारे बहुत सारे इंडियन अमेरिकन सिर्फ वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज को फंड करते हैं, अगर उस रिसर्च का पैसा साइकोलॉजी को या फिर हमसे अलाइड यूनिवर्सिटीज को दिया जाए तो वी विल टेक अप ऑल दिस रिसर्च वर्क एंड वी विल रीच ऑल दिस प्लेसेस टू फाइंड द रूट्स ऑफ द रिलीजन. क्योंकि मेरा काम है कि नेटिव लोगों का भोजन, भाषा और पूजा पद्धति को डॉक्यूमेंट करना. ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने इन चीज को डॉक्यूमेंट कर दिया तो आपको पूरा कल्चर समझ में आ जाएगा. और यहाँ का भोजन अगर आप देखें, मैंने आपको थोड़ा सा उदाहरण दिया कि दैट इज वेरी सिमिलर टू द कल्चर ऑफ इंडिया. जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया या लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, सेम कल्चर है, क्योंकि सारे द्वीपों का कल्चर सिमिलर ही होना चाहिए. लेकिन जैसे अभी कभी आप वहां पे आके जो अब्राहमिक रिलीजन का डाल दिया तो वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं लोकल कल्चर को, क्योंकि वहां पे एक हेट्रेड सिखाई जाती है. जैसे बहुत सारे भारत के जो सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे इस्कॉन हो गया, ये हो गया, इधर भी वही चीज सिखाई जाती है, हिंदुओं से चिड़ो, क्या हिंदू नहीं है, आप हिंदू नहीं है, ऐसा बोलते सब लोग, विच इज टोटली रॉन्ग. नाउ इट्स नाउ हियर इफ यू गो, मैं आपको एक और स्क्रीन दिखाता हूं एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट इंफॉर्मेशन. ये है निकल का इंफॉर्मेशन. निकल जो है ऐसा दिखाई देता है और ये यूज किया जाता है बैटरीज में, और ये सब केमिकल कंपोजिशन है, बैटरीज में यूज किया जाता है, और इसके स्ट्रेंथ, मेटल स्ट्रेंथ बनती है, मेटल पॉलिश भी आती है, क्रोमियम से आती है एक्चुअली, बट निकल को यूज किया जाता है, स्टील में भी यूज किया जाता है, और ये यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटीज में मिलता है निकल, और इसके प्राइसेस बढ़ते हैं घटते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में आता है, बट इट इज अ वेरी बेसिक एलिमेंट विच इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ मेटल्स. ये क्यों है, मतलब व्हाई इट इज ए फ्रेंच कॉलोनी, उसका रीजन अब आपको पता है निकल की वजह से. राइट नाउ उसके पहले सैंडलवुड था, और वर्ल्ड वॉर टू में इधर 50,000 से ज्यादा सोल्जर्स, अमेरिकन सोल्जर्स यहाँ पे रुके थे टू फाइट विद जापान. तो जियोपॉलिटिकल रीजंस इंपॉर्टेंट, इसलिए टेरिटरी रखा हुआ है ताकि पूरी दुनिया में अगर युद्ध हो तो ये लोग हर तरफ से युद्ध छेड़ सके. और यही एक क्वालिटी है यूरोपियंस की जिससे पूरी दुनिया घबराती भी है ना, घबराती भी है.
और लेकिन छोटी छोटी जगहों पे कौन कम जाएगा कंट्रोल दिखाने के लिए? अगर यहाँ पे कोई हमारा वैदिक शासन तो है नहीं, जहाँ युधिष्ठिर पहुंच जाएंगे, भगवान राम की सेनाएं पहुंच जाएंगी। अभी भारत भी एक नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट पर ही काम कर रहा है, लेकिन नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट का प्योर इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि फ्रांस जैसी कंट्रीज 20 से ज्यादा कॉलोनीज इस तरह की मेंटेन करती हैं। फ्रेंच पॉलिनेशिया, ब्रिटिश कुक आइलैंड्स, ब्रिटिश पापुआ न्यू गिनिया, ये सब ब्रिटिश आइलैंड टेरिटरी चलती है हर जगह, और मार्शल आइलैंड्स यूएस की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, सबकी टेरिटरीज यहाँ पर है। किसके लिए? रक्षा के लिए। किसकी रक्षा के लिए? वेस्टर्न सिविलाइजेशन की रक्षा के लिए। लेकिन कौन इस तरह का स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अगर होना चाहिए तो भारतीय गवर्नमेंट को भी होना चाहिए। किसकी रक्षा करने के लिए? सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए। ये लोग चर्च की रक्षा कर रहे हैं, भारतीयों की रक्षा करनी चाहिए सनातन धर्म की, जो हर द्वीप में फैला हुआ है, हर द्वीप में, पॉलिनेशिया के हर द्वीप में फैला हुआ है। वही मॉडर्न नाम जो है, सुग्रीव की सेनाओं का वर्णन मैं बहुत बार कर चुका अपनी पुस्तकों में, कि शालमली द्वीप, ऑस्ट्रेलिया का नाम शालमली द्वीप है, उसके आसपास के सभी द्वीपों में सुग्रीव ने सीता की खोज करी। वो रावण कहीं भी छुपा सकता था, और रावण के अंदर क्षमता इतनी थी कि वो सब जगह कंट्रोल करके भी रखता था। तो कहीं ना कहीं इनका इतिहास वहां से कनेक्टेड है, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन आज तक नहीं हुआ है। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो अवेलेबल है वेस्टर्न सोर्सेस के द्वारा, उसी को यूज करके हम अपनी स्टोरी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका फॉर्मल स्टडी नहीं हुआ है। मेरा अपील रहेगा मैनी यूनिवर्सिटीज से कि आप हमसे जुड़े, हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन है, और हम हमारे साथ मिलकर आप ऐसा डिपार्टमेंट सेटअप करिए जहां पे हम आपको मदद करें और लोगों के राइट्स की रक्षा की जाए। यहाँ पे जो 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 ये लोग बोलते हैं कनक लोग हैं, कनक लोगों के ह्यूमन राइट्स, कनक लोगों के रिलीजन की रक्षा, कनक लोगों के भाषा की रक्षा, कनक लोगों के भोजन पद्धति की रक्षा, इन सब की रक्षा करने का दायित्व हम सबका है। तो मेरी यही आशा होगी आप हमारे साथ जुड़े और हम लोग इस तरह के लोगों पे काम करें। और मेरा एक दूसरा अपील है, हमारे 4 या 5 कोर्सेज चलते हैं, उसमें जरूर जुड़े। ट्रांसेंडिंग द माइंड एक्सपीरियंस जो कॉर्पोरेट कोर्स हमारा चलता है, डीबंकिंग मिथोलॉजी कोर्स, वो सभी सनातनियों के लिए मेरे हिसाब से अनिवार्य होना चाहिए। उसमें हम स्टेप बाय स्टेप 12 सेशंस में सनातन धर्म के सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करते हैं। योग सूत्र कोर्स, वो योग टीचर्स के लिए है, मेरी बुक पे आधारित है ट्रांसेंडिंग द माइंड, जो योग सूत्र का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। पतंजलि जो हम सबके गुरु है उन्हीं की पुस्तक इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसको मैं योग सूत्र एज इट इज भी बुलाता हूँ। और उसमें बहुत सारे उद्धव गीता और अनेक अनेक योग वशिष्ठ, भगवान राम वशिष्ठ मुनि की वार्तालाप, उसको भी मैंने प्रेजेंट किया है। और हमारा जो जो चौथा कोर्स है वो है वीकेंड गुरुकुलम, जो कि वीकेंड्स में चलता है, सैन डिएगो में चलता है और ऑनलाइन भी चलता है। सो ये सब हमारे कोर्सेज है, दिस इज वॉट वी डू। और जुड़ी हमारे साथ डीबंकिंग मिथोलॉजी में, मेरी नई बुक्स भी आने वाली है, लेकिन पुरानी 15 जितनी आप उसको खरीदिए, सत्यालोजी सर्च करिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम इस तरह का रोचक कंटेंट लेकर आए। जस्ट टू समराइज, न्यू कैलेडोनिया फ्रेंच इलीगल फ्रेंच ऑक्यूपेशन में है, इट शुड नॉट बिलोंग टू फ्रांस, और न्यू कैलेडोनिया में द पीपल्स राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो वहां के लोग हैं, जो पिछले जो फ्रांस का जो प्रपोजल है कि वहां के लोगों को 10 साल में जो है उनको वोटिंग राइट दे, बिल्कुल उसको नहीं इंप्लीमेंट करना चाहिए। कनक लोगों के रिस्पेक्ट करनी चाहिए फ्रांस को, और कनक लोगों को राइट्स देना चाहिए, और फ्रेंच फ्लैग के अंदर ये आइलैंड नहीं चलना चाहिए, ये चलना चाहिए न्यू कैलेडोनिया के लोगों के आइलैंड पे, और कनक लोगों की ही गवर्नमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे फ्रेंच सेटलर्स को वापस जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, और आपको मिलूंगा इस तरह के रोचक शो के साथ अगली बार। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।